Hello everyone, I am Professor N.B. Sate, welcomes you all in the 43rd lecture of electrical measurement subject. So my dear students, we have discussed about the cathode ray oscilloscope in the last lecture, that is CRO, right? So this is the block diagram of the CRO, right? Then this is the actual photograph of the CRO, and then we have discussed about the functions of each block of the CRO. Then we have also discussed about the some of the applications of CRO, right? PSRA applications मैंने आपको last lecture में बताया. Now in today's lecture we are going to discuss about digital storage oscilloscope, जिसको हम DSO बोलते हैं, ठीक है? CRO का ये एडवांस वर्जन होता है, ठीक है? डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप बोलते हैं इसको, ठीक है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, और इसको सीआरओ बोला, नाम दिया था आपने. अभी ये है आपका डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, ठीक है? इसको डीएसओ बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में. तो इसमें क्या क्या दिया है, देखो ये ब्लॉक डायग्राम है इसकी. यहाँ पे इनपुट देना है, इनपुट एटेन्यू एटेन्यूएटर को, ठीक है? इनपुट टू इनपुट एटेन्यूएटर, देन वर्टिकल एम्पलीफायर, देन यहां से सिग्नल जाएगा, यहाँ पे सैंपल एंड होल्ड सर्किट है ये, बाद में ट्रिगर सर्किट है, ये टाइमिंग एंड मोड लॉजिक है आपका, देन ये कंट्रोल लॉजिक है, ठीक है? देन ये आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, ये डेटा इन है, ये मेमोरी है आपकी, ये डेटा आउट है, ठीक है? ये यहाँ पे रीड राइट एड्रेस है, देन डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है यहाँ पे, ये आपका वर्टिकल डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर है, ये आपका डी टू ए कन्वर्टर है, फिर से एक बार, ये हॉरिजॉन्टल डिजिटल के लिए है, ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर है, ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर, और ये आपका हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर, और ये होता है आपका कैथोड रे ट्यूब यहाँ पे, ठीक है? तो ये ब्लॉक डायग्राम आपको अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखने होंगे, ठीक है? सो अभी इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखना है हमें. तो एक्चुअल जैसे अपने मैंने आपको सीआरओ का एक्चुअल फोटोग्राफ दिखाया था, वैसे डीएसओ यानी डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप एक्चुअली दिखता कैसा है उसका अगर फोटोग्राफ देखना है आपको, तो ये ऐसा होता है, ठीक है? ये डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप है, ठीक है? इस पे हमें डिजिटल यहाँ पे वेवफॉर्म देखने को मिलते हैं, ठीक है? ये यहाँ पे बहुत सारे नॉब्स दिए होते हैं जिससे आप वहां का वर्टिकल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, देन आपको जैसे तरीके का यहाँ पे वेवफॉर्म चाहिए वैसे आप यहाँ पे उसको इनपुट दे सकते हो, ठीक है? और वहां से आपको आउटपुट मिल सकता है, ठीक है? ये डीएसओ का आपका एक्चुअल फोटोग्राफ है, समझ लो डीएसओ का फोटोग्राफ है, ठीक है? जैसे टाइप सी वेवफॉर्म तुम्हाला डिजिटल वेवफॉर्म पाहिजे त्याप्रमाणे आपण तिथे इनपुट देतो, ठीक है? त्याला समजा करंटचं इनपुट दिलं आपण किंवा व्होल्टेजचं दिलं, आणि त्याची जर वेवफॉर्म आपल्याला इथं पाहिजे डीएसओ वरती, तर आपण ती वेवफॉर्म इथं डिजिटल फॉर्म मध्ये पाहू शकतो, म्हणून त्याला डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप म्हटलं. सीआरओ सारखंच आहे, सीआरओचं हे ऍडव्हान्स वर्जन म्हणतो आपण. आता प्रिन्सिपल ऑफ ऑपरेशन मध्ये काय काय पॉइंट दिले पाहून, द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीएसओ इज शोन अबव, सॅम्पलिंग रेट मे बी एज हाय एज 1 लाख सॅम्पल्स पर सेकंड. याचा जो सॅम्पलिंग रेट आहे डीएसओचा, तो एज हाय एज 1 लाख सॅम्पल्स पर सेकंड एवढा असतो. सो फॉर सच हाय सॅम्पलिंग रेट अ फास्ट कन्वर्जन एडीसी इज रिक्वायर्ड. ऐसे हाय सॅम्पलिंग रेट्स के लिए आपको वहां पे एक फास्ट कन्वर्जन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की जरूरत होती है. सो फ्लैश एडीसी कन्वर्टर आर यूज एट द कॉस्ट ऑफ डिक्रीज रिजोल्यूशन विथ इंक्रीजिंग रेट. यहाँ पे हमने फ्लैश एडीसी कन्वर्टर यूज किए हैं जिसकी कॉस्ट डिक्रीज होती है, ठीक है? कॉस्ट ऑफ डिक्रीज रिजोल्यूशन,
कॉस्ट ऑफ डिक्रीज रेजोल्यूशन विथ इंक्रीज इन रेट, रेट में वहां पे इंक्रीज होता है लेकिन कॉस्ट ऑफ डिक्रीज वहां पे रेजोल्यूशन में होता है, ठीक है। ऐसे तरीके का फ्लैश एडीसी कन्वर्टर यहाँ पे यूज किया है। नेक्स्ट पॉइंट दिला है, ठीक है। पहले पॉइंट मध्ये काय सांगितलं की सॅम्पलिंग रेट जो आहे डीएस होता तो अतिशय हाय असतो, तो किती असतो मग 1 लाख सॅम्पल्स पर सेकंड एवढा ऍज हाय ऍज सॅम्पलिंग रेट असतो डीएस होता। आणि मग अशा हाय सॅम्पलिंग रेट साठी तिथं आपल्याला एक फास्ट कन्वर्जन एडीसी म्हणजेच अॅनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्टरची गरज असते। इथं आपण फ्लॅश अॅनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्टर यूज केलेलं असतं ज्याची कॉस्ट तिथल्या रेझोल्युशन सोबत डिक्रीज होते आणि त्याचा रेट हा इन्क्रीज होतो, ठीक आहे। सेकंड पॉइंट दिला द मेमरी साईज इज रिलेटेड टू द अमाऊंट ऑफ हॉरिझॉन्टल सेगमेंट ऑफ द ट्रेस दॅट कॅन बी डिवाइडेड इन टू वन स्वीप ऑफ द टाइम बेस। जो मेमरी की साइज है वो आपके रिलेटेड होती है अमाउंट ऑफ हॉरिजॉन्टल सेगमेंट जो होते हैं ट्रेस के, हॉरिजॉन्टल सेगमेंट जो होते हैं ट्रेस के उससे रिलेटेड ये मेमोरी की साइज होती है आपकी। दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू वन स्वीप ऑफ द टाइम बेस, और उसको डिवाइड किया जाता है एक स्वीप जो होता है टाइम बेस का उसमें उसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। मेमोरी की जी साइज आहे ती तिथल्या अमाउंट ऑफ हॉरिजॉन्टल सेगमेंट जे आहे ट्रेस चे त्याला रिलेटेड असते आणि त्याला आपण डिवाइड केलेलं असतं एका स्वीप टाइम बेस मध्ये, ठीक आहे। हा सेकंड पॉइंट दिला। थर्ड पॉइंट दिला इफ द 10 बिट एडीसी इज यूज देन द फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स ऑफ 20 किलोहर्ट्ज इज ऑब्टेन। जर आपण 10 बिट एडीसी म्हणजेच अॅनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्टर जर तिथे यूज केलेलं असेल तर तिथला फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स हा जवळपास 25 किलोहर्ट्ज एवढा ऑब्टेन करता येतो आपल्याला, ठीक आहे। वहां पे हमने अगर 10 बिट एडीसी यूज किया है तो जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स वहां पे ऑप्टेन होगा वो आपका 25 किलो हर्ट्ज तक वहां पे ऑप्टेन हो सकता है। देन द टोटल मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी इज, टोटल मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो कितनी है देखो 4096 फॉर अ सिंगल चैनल, 4096 इतना सिंगल चैनल के लिए होता है, 2048 दो चैनल के लिए होता है एंड 1024 फॉर फोर चैनल्स के लिए होता है, ठीक है। टोटल मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी की है कितनी है बघा 4096 सिंगल चैनल साठी आहे, देन 2048 हे दोन चैनल साठी आहे आणि 1024 ही चार चैनल साठी आहे, ठीक है। ये टोटल मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी आहे डीएसओची। देन नेक्स्ट पॉइंट दिला इथं द सिलेक्शन ऑफ सॅम्पलिंग रेट अँड मेमरी साईज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द वेवफॉर्म बीइंग रेकॉर्डेड। जे सिलेक्शन आहे तिथल्या सॅम्पलिंग रेट आणि मेमरी साईज जे आहे ते डिपेंड असते तिथल्या वेवफॉर्मच्या टाईप वरती जो आपल्याला तिथं रेकॉर्ड करायचा आहे, ठीक आहे। जो आपका सिलेक्शन होता है सॅम्पलिंग रेट का और मेमरी की जो साईज होती है वो डिपेंड होती है वहां के वेवफॉर्म के टाइप पे जो हमें वहां पे रिकॉर्ड करना होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट दिया है अ कंटिन्यूअस स्टोरेज ऑसिलोस्कोप कंसिस्ट ऑफ फीचर कॉल्ड प्री ट्रिगर व्यू। वहां पे एक कंटिन्यूअस स्टोरेज ऑसिलोस्कोप में एक फीचर दिया होता है जिसको बोलते हैं प्री ट्रिगर व्यू। तो दिस मोड इज यूजफुल व्हेन फेल्यूअर ऑकर्ड, जब वहां पे फेल्यूअर होता है तो वहां पे ये मोड वहां पे यूजफुल होता है प्री ट्रिगर व्यू, ठीक है। तो एक बार डायग्राम में देखो, यहाँ पे ये है आपका इनपुट एटेन्यूएटर, ये है आपका वर्टिकल एम्पलीफायर, ये है आपका ट्रिगर सर्किट, ये टाइम एंड मोड लॉजिक, ये कंट्रोल लॉजिक, ठीक है। ये सैंपल एंड होल्ड सर्किट एडीसी यहाँ पे यूज किया है और ये D2A डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है यहाँ पे तो यूज किए हुए, ये मेमोरी है, ठीक है। तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन डीएसओ का। देन डीएसओ हैज थ्री मोड्स ऑफ ऑपरेशन, डीएसओ के तीन ऑपरेशन के मोड हैं, ठीक है। एक तो आप ये प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ये लिख सकते हो जो मैंने अभी बोला, या फिर आप ये भी इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन लिख सकते हो, ठीक है।
सो डीएसओ हैज थ्री मोड्स ऑफ ऑपरेशन, उसमें रोल मोड है, स्टोर मोड है एंड होल्ड और सेव मोड है, ऐसे तीन मोड है, ठीक है। मग रोल मोड म्हणजे काय, की दिस मोड इज यूज टू ऑब्झर्व द फास्ट वेअरिंग सिग्नल। रोल मोड मध्ये हा मोड कशासाठी यूज केला जातो, तर आपल्याला तिथं फास्ट वेअरिंग सिग्नलला जर ऑब्झर्व करायचंय तर हा तिथं रोल मोड यूज केला जातो, ठीक आहे। फास्ट वेअरिंग सिग्नलला ऑब्झर्व करण्यासाठी रोल मोड तिथं यूज केला जातो, ठीक आहे। सो इन दिस मोड इनपुट सिग्नल इज नॉट ट्रिगर ऍट ऑल। या मोड मध्ये इनपुट सिग्नल आपल्याला ट्रिगर करण्याची आवश्यकता नाही, ठीक आहे। रोल मोड जो यूज किया जाता है वो क्यों यूज किया जाता है, ताकि हम वहां पे फास्ट वायरिंग सिग्नल को ऑब्जर्व कर सके, इसलिए वहां पे रोल मोड यूज किया होता है। ये मोड में आपको इनपुट सिग्नल को ट्रिगर करने की जरूरत नहीं होती है। द स्टोर्ड सिग्नल इज रोल्ड अक्रॉस द स्क्रीन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जो स्टोर्ड सिग्नल है उसको रोल्ड अक्रॉस किया जाता है स्क्रीन के राइट की तरफ से लेफ्ट की तरफ, ठीक है। जे स्टोर्ड सिग्नल आहे त्याला रोल केलं जातं अक्रॉस मध्ये स्क्रीनच्या राइट कडून लेफ्ट कडे, ठीक है। हा झाला रोल मोड। दुसरा आहे स्टोर मोड। सो दिस मोड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, इट इज कॉल्ड एज रिफ्रेश। ये जो मोड होता है स्टोर मोड, ये मोस्ट कॉमनली यूज किया हुआ मोड है, जिसको दूसरा नाम है रिफ्रेश मोड। सो वंस ट्रिगर पल्स इज ऑब्टेन द मेमोरी राइट साइकिल इज इनिशिएटेड। वंस ट्रिगर पल्स इज ऑब्टेन, एक बार आपको ट्रिगर पल्स वहां पे ऑब्टेन हो गया तो मेमोरी राइट साइकिल इज इनिशिएटेड। मेमोरी की जो राइट साइकिल होती है वो इनिशिएट की जाती है। एडीसी कन्वर्ट्स इनपुट सिग्नल टू डिजिटल कोड। तो वहां पे एडीसी क्या करेगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या करेगा, इनपुट सिग्नल को कन्वर्ट करेगा वो डिजिटल में, क्योंकि एनालॉग का कन्वर्जन डिजिटल में करने के लिए हम एडीसी यूज करते हैं, ठीक है। एंड फेड टू दी मेमोरी, बाद में वो किसको देता है, आपके मेमोरी को, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको डायग्राम में एडीसी, यहाँ पे मेमोरी को वो सिग्नल देता है, ठीक है। एक बार आपको ट्रिगर पल्स ऑब्टेन हो गया कि मेमोरी वहां पे राइट साइड मेमोरी कि राइट साइकिल वहां पे इनिशिएट होती है, और वहां का एडीसी जो है वो इनपुट सिग्नल को कन्वर्ट करता है डिजिटल कोड में, और बाद में वो फेड करता है उसको मेमोरी को, ठीक है, समझ लो। देन स्टोर मोड ला, म्हणजे स्टोर मोड म्हणजे काय, कि हा एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड मोड आहे, ज्याला आपण रिफ्रेश मोड पण असं नाव दिलेलं आहे। आणि एकदा का ट्रिगर पल्स आपल्याला ऑब्टेन झाला की मेमरी ची जी राईट सायकल आहे ती इनिशिएट केली जाते तिथं, आणि मग एडीसी काय करतं, इथल्या इनपुट सिग्नलला डिजिटल कोड मध्ये त्याला कन्वर्ट करतं आणि नंतर ते फेड करतं मेमरीला। सो व्हेन मेमरी इज फुल द मेमरी राईट सायकल स्टॉप्स। जेव्हा आपकी मेमरी फुल हो जाएगी तब वहां पे मेमरी राईट सायकल आपकी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। जेव्हा मेमरी आपली फुल होईल तेव्हा मेमरी राईट सायकल तिथं स्टॉप होईल। द डिजिटली स्टोअर्ड सिग्नल इज कन्वर्टेड बॅक टू द एनॉलॉग यूजिंग डीएसी। जो डिजिटली स्टोअर्ड सिग्नल होता है उसको फिर से कन्वर्ट बैक किया जाता है एनॉलॉग में यूजिंग डीएसी, यानी डिजिटल टू एनॉलॉग कन्वर्टर्स, ठीक है। जे डिजिटली स्टोअर्ड सिग्नल आहे त्याला परत कन्वर्ट बॅक केलं जातं एनॉलॉग मध्ये, कशाच्या सहाय्याने, डीएसीच्या, म्हणजे डिजिटल टू एनॉलॉग कन्वर्टरच्या सहाय्याने। सो व्हेन द नेक्स्ट ट्रिगर इज रिसीव्ह, जेव्हा नेक्स्ट ट्रिगर तिथं रिसीव्ह होईल देन द मेमरी इज रिफ्रेश्ड, त्यावेळेस परत मेमरी आपली रिफ्रेश्ड होईल विथ द नेक्स्ट सिग्नल, ठीक आहे। नेक्स्ट सिग्नल ने मेमरी आपली परत रिफ्रेश होईल, ठीक आहे। तो ये होता है आपका स्टोर मोड। एंड थर्ड होता है आपका होल्ड एंड सेव मोड। तो इसमें क्या दिया है, देखो द मॉडर्न डीएसओ ऑपरेट ऑन ऑटोमेटिक रिफ्रेश सिस्टम। जो मॉडर्न डीएसओ होता है वो आपका ऑटोमेटिक रिफ्रेश सिस्टम पे ऑपरेट होता है, ठीक है। जे मॉडर्न डीएसओ है आपला तो ऑटोमेटिक रिफ्रेश सिस्टम वरती ऑपरेट होतो। व्हेन अ न्यू स्वीप सिग्नल फ्रॉम द टाइम बेस सर्किट इज रिसीव्ड, जे वहां पे एक न्यू स्वीप सिग्नल टाइम बेस सर्किट से रिसीव होता है, ठीक है, तब क्या होता है, देन द न्यू कंटेंट्स आर ओवर रिटर्न ऑन दी ओल्ड कंटेंट।
जो न्यू कंटेंट्स होता है वो ओवर रिटर्न होता है आपके ओल्ड कंटेंट से, ठीक है। जब वहां पे न्यू सिग्नल जो टाइम बेस सर्किट से रिसीव हो रहा है, ठीक है, जो टाइम बेस सर्किट से रिसीव हो रहा है न्यू स्वीप सिग्नल, तब तो वहां पे न्यू कंटेंट जो होते हैं वो ओवर रिटर्न होते हैं ओल्ड कंटेंट्स के ऊपर। एंड इफ इट इज रिक्वायर्ड टू रिटेन द पर्टिकुलर सिग्नल इन द मेमोरी देन ओवर राइटिंग शुड बी स्टॉप। और वहां पे अगर आपको एक पर्टिकुलर सिग्नल को अगर रिटेन करने की जरूरत होती है मेमोरी में, तब ओवर राइटिंग आपकी वहां पे स्टॉप होती है, ठीक है। होल्ड आणि सेव्ह मोड मध्ये काय सांगितलं आपण की जो मॉडर्न डीएसओ आहे तो आपल्या ऍटोमॅटिक रिफ्रेश सिस्टीम वरती ऑपरेट होत असतो, आणि तिथं जेव्हा एक न्यू स्वीप सिग्नल आपल्या टाइम बेस्ड सर्किट कडून आपल्याला रिसीव होतं, तेव्हा तिथं न्यू कंटेंट जे असतात, न्यू कंटेंट्स हे तिथल्या ओल्ड कंटेंट्स वरती ओव्हर रिटर्न केले जातात। आणि जर आपल्याला एखाद्या वेळेस तिथलं पर्टिक्युलर सिग्नल जर रिटेन करायचं झालं परत मेमोरीमध्ये, ठीक आहे, एखाद्या वेळेस काय करतो आपण, जे एखादा पर्टिक्युलर सिग्नल परत जर मेमोरीमध्ये आपल्याला त्याला रिटेन करायचं असेल, तेव्हा तिथं ओव्हर रायटिंग आपली स्टॉप होते। अँड दिस ऑप्टेन बाय युझिंग होल्ड अँड सेव्ह बटन। ये कब ऑप्टेन होता है, जब वहां पे हम ये होल्ड एंड सेव मोड को यूज करते हैं, यानी उस बटन को यूज करते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये है आपका डीबीएसओ, क्लियर है, इसमें कुछ डाउट है, डाउट कुछ इसमें हुँ? अगर किसी को डाउट है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो वी विल स्टॉप हियर। Thank you for watching this video lecture again. We'll meet in the next lecture. Thank you very much.